हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिज़नेस स्टडी और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के अंदर करेंगे पार्टनरशिप। ऐसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की अपनी लिमिटेशन थी, जिसके अंदर क्या था कि सिंगल पर्सन ही मैनेज करता है, उसके डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं हो सकता, सोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, और सेकेंडली वो बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता था, लिमिटेशन थी उसकी। एक्सपैंड करता था तो अच्छी तरह से सुपरवाइज नहीं कर सकता था। तो इन सारी लिमिटेशन की वजह से क्या हुआ कि पार्टनरशिप का बर्थ हुआ। कि पार्टनरशिप का मतलब होता है डैट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज ए को ऑनर ए बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉसेस। देखो, अगर पार्टनरशिप के अंदर क्या है कि एक बंदा अपने आप तो पार्टनरशिप करेगा नहीं, दो या उससे ज़्यादा बंदे होने चाहिए जो कि को ऑनर होते हैं, बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे जो बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, मोटिव उसका प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, और जो भी उसके प्रॉफिट और लॉसेज हैं वहाँ पे पार्टनर्स जो हैं शेयर करते हैं। और ये पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है ये सुटेबल होती है जहाँ पे हमें स्मॉल और मॉडरेट अमाउंट के अंदर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो डाइवर्सिफाइड मैनेजर स्किल होता है। पार्टनरशिप वहाँ पर सुटेबल होती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, और यहाँ पर कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पर भी ये सुटेबल होती है। सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, जो पार्टनरशिप है दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन जो होती है मैंडेटरी नहीं होती। यहाँ पे बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी होती है जिसके अंदर प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं। सारे पार्टनर्स भी मैनेज कर सकते हैं या कुछ लोग उनके बिहाफ पे मैनेज करते हैं। अगर कोई भी पार्टनर जो है आउटसाइडर के साथ फर्म के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या एग्रीमेंट करता है तो वो सारी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। पार्टनरशिप के फीचर देखो, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, नेचुरली एक बंदा अपने साथ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, दो या उससे ज़्यादा होते हैं। कंपनी एक्ट के मुताबिक क्या है कि कुछ लिमिट्स हैं, जैसे बैंकिंग का बिजनेस है तो वहाँ पे 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इंश्योरेंस या अदर बिजनेस है तो वहाँ पे 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो पार्टनरशिप है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कि जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है, बट रिटन फॉर्म में हो तो ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे क्या है कि उनका जो उद्देश्य होता है प्रॉफिट को कमाना होता है। अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है, चैरिटी पर्पज़ के लिए वो सेटअप करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहते। उसी तरह क्या है कि कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के अंदर कोई ट्रेड भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। पार्टनरशिप के अंदर ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी होती है कि सारे पार्टनर्स का ज़रूरी नहीं होता कि वो फर्म को मैनेज करें। कुछ पार्टनर जो होते हैं, जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, दूसरों को बिहाफ पे फर्म को रन कर सकते हैं। और एक पार्टनर जो है वो सारी जो भी वो फर्म के बिहाफ पे करता है वो सारी पूरी फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप एंड पार्टनर को अलग नहीं माना जाता। जो फर्म का लॉस है वो पार्टनर्स का भी लॉस है। अगर फर्म का लॉस जो है फर्म के एसेट से पूरा नहीं होता तो वो जो पार्टनर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट से चुकाया जाएगा। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक फर्म है उसमें 6 पार्टनर्स हैं, सारे जैसे 3 पार्टनर जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, तो बाकी 3 जो हैं उसके बिहाफ पे रन करते हैं, तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप है देखो, ये तभी सर्वाइव होती है, तभी सक्सेसफुल होती है जब सारे पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है। कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ चीट नहीं करता, कोई भी वो अगर कोई एक्ट करता है या मैनेज करता है तो वो पूरा डिस्क्लोज़र देता है। और पार्टनर्स के ऊपर क्या होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर करना भी है तो सारे पार्टनर की कंसेंट चाहिए। और यहाँ पे सारे पार्टनर्स जो होते हैं मिलजुल के फॉर्म को रन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डिवाइड कर लेते हैं। पार्टनर्स और पार्टनरशिप जो होती है एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे जो उनके अंदर रिटन एग्रीमेंट होता है या ऑरल एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके तहत वो रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जैसे किसी पार्टनर का शेयर कम है तो ये नहीं है कि उसको ओवर रूल कर दिया जाएगा या उसको डिसीजन के अंदर पूछा नहीं जाएगा। सारे पार्टनर जो होते हैं सबके कंसेंसस के साथ डिसीजन होता है। और अगर एक पार्टनर
डिसेटिस्फाइड है तो वो फर्म को डिसोल्यूट ख़त्म भी कर सकता है। और ये जो बिजनेस है ये तब तक रन होता है जब तक पार्टनर्स का आपस में प्यार रहता है, म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है। पार्टनर जो है कई तरह के होते हैं। देखो एक्टिव पार्टनर जो होता है जिसको हम वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजर भी होता है, एडवाइज़र भी होते हैं। ये एक्टिवली जो है जो फर्म है उसको मैनेज करता है, उसकी जो डे टू डे वर्किंग होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर जो होता है ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉसेस के अंदर भी शेयर करता है। इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन डे टू डे रनिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो पार्टनर होता है जो अपना नाम जो है फर्म को लैंड करता है, ना तो वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ना ही वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर उसका शेयरिंग होता है। कई बार क्या होता है कि किसी बंदे की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है तो अगर मतलब उसका नाम उसमें ऐड कर लिया जाए तो फर्म को भी क्या होता है कि उसकी साख से, उसकी रेपुटेशन से बेनिफिट मिलता है। बट अगर कोई थर्ड पार्टी जो है ये सोच के फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है कि ये बंदा इसके अंदर पार्टनर है, और वहाँ पे अगर कोई मतलब फर्म जो होती है थर्ड पार्टी कोई लॉस होता है या कंपनसेशन देना है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये पार्टनर भी जो है इसका भी मतलब लायबल है, मतलब जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके प्रति भी लायबल है अगर वो इसी बिहाफ पे ही फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये उसके अंदर एक्टिव पार्टनर है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि ये पार्टनर जो है प्रॉफिट्स के अंदर शेयर करता है। ये पर्सन जो है जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और मतलब थर्ड पार्टीज़ को भी लायबल है, बट ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करता। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का मतलब होता है कि वो पार्टनर नहीं होता बट लोगों को फोर्स करता है कि मैं इस फर्म का रिटन फॉर्म में या स्पोकन से या अपने बिहेवियर से ये शो करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो अगर कोई आउटसाइडर जो है अगर वो किसी को आउटसाइडर को पोज करता है और वो डील कर लेती है तो उसके लिए ये जो पार्टनर बाय स्टॉपर या होल्डिंग आउट है ये उसके लिए लायबल होता है। सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है कि वो जो है उसकी मेंबरशिप जो होती है सीक्रेट रखी जाती है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, वो लॉसेस के लिए भी जिम्मेवार होता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी जो है लोगों को नहीं बताई जाती। सब पार्टनर जो होते हैं कि एक पार्टनर जो है किसी दूसरे बंदे को भी अपना सब पार्टनर बना सकता है, उसके साथ अपना प्रॉफिट वगैरह भी शेयर कर सकता है, लॉसेस वगैरह भी शेयर कर सकता है। ये जो सब पार्टनर होता है इसका फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसका पार्टनर के साथ ही होता है। उसी तरह क्या है कि देखो माइनर जो है क्योंकि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं तो वॉइड होते हैं, लेकिन उसको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप दिया जा सकता है। उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे लायबल नहीं होती, लेकिन जो फर्म के अंदर उसका शेयर होता है या प्रॉपर्टी होती है वो लायबल होती है और उसके पास ये राइट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं। नेचुरली जो एग्रीमेंट के तहत उसको प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स के अंदर शेयर दिया जाता है वो अकाउंट्स चेक कर सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होती और वो दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट मुकदमा भी नहीं फाइल कर सकता। वो तभी फाइल कर सकता है जब वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर से अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहता है, और विदिन जब वो मेजर हो जाता है तो विदिन 6 मंथ जो है उसने पब्लिक नोटिस देना होता है कि वो उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। अगर बनना है तो वो फिर पार्टनर्स की तरह उसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, अगर वो नहीं बनना चाहता तो उसकी नोटिस दिए जाने तक उसकी राइट्स और लाइबिलिटी एज ए माइनर ही रहते हैं। पार्टनर्स को बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको रजिस्टर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मैनेजरल टैलेंट होता है, ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग होती है क्योंकि बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क भी शेयर हो जाता है, ग्रोथ और एक्सपेंशन भी जो है ईजिली हो सकता है। और यहाँ पे अगर बिज़नेस को हम एक्सपैंड करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ क्योंकि बहुत सारी मैन पावर होती है सुपरवाइज़ किया जा सकता है, जो डिसीज़न होता है वो पार्टनर्स के बीच में रहता है, कई जगह पे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी के साथ इसको ख़त्म किया जा सकता है। और ऑपरेशंस के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको मतलब बड़ी आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है। इसके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, एक तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे भी अगर हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो ये सुटेबल नहीं है, ये आपसी फेद पे होती है तो इसलिए बड़ी अनस्टेबल होती है, यहाँ पे शेयर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर कोई पार्टनर अगर गलत काम करता है तो उसको बाइंड करना पड़ता है, फिर यहाँ पे पार्टनर्स की रजामंदी के साथ ही हम डिसीजन